सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक जाणीवेतील फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाजात. जिल्हा परिषद सदस्य DS लहाने यांच्याकडून पाणी पुरवठा मोटर दुरुस्तीसाठी ग्रामपंचायतला 10,000 रुपये दिले. माजी ग्रामपंचायत सरपंच अब्दुल रजाक उर्फ बबलू सेठ यांच्या प्रयत्नाला यश. बुलढाणा शहरापासून अवघ्या 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मौजे देऊळघाट येथे गेल्या 15 दिवसापासून गावात पाणी पुरवठा करणारी येळगाव धरणावरील मोटर बंद अवस्थेत असल्यामुळे गावाला पाणी पुरवठा करण्यात आला नाही. यामुळे माजी सरपंच अब्दुल रजाक उर्फ बबलू सेठ यांनी सदर बाब लावून धरून देऊळघाट जिल्हा परिषद सर्कलच्या सदस्य DS लहाने यांच्या कानावर सदर बाब टाकली. त्यामुळे श्री लहाने यांनी देऊळघाट वासियांना सुरळीत पाणी पुरवठा व्हावा या प्रांजळ हेतूने ग्रामपंचायतकडे निधी उपलब्ध नसल्या कारणामुळे 10,000 रुपये देऊळघाट ग्रामपंचायतला उसने म्हणून देऊन सदर पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. इलियास खान, तालुका अध्यक्ष, अल्पसंख्या विभाग राष्ट्रवादी, तालुका अध्यक्ष बुलढाणा. हमारे देवलघाट में 2017 में येळगाव से पाइपलाइन की गई थी तात्पूर्ति, जो कि जिला परिषद से मंजूरात मिली, जिसमें जिला परिषद मीटिंग में हमारे लहाने सर जिला परिषद सदस्य देवलघाट सर्कल ये उसके अनुमोदक और हमारी राष्ट्रवादी की ताई बायकर ताई अनुमोदक थे, जिनकी कोशिशों के कारण हमारे देवलघाट में येळगाव से तात्पूर्ति लाइन मंजूर की गई थी, जिसका भरपूर फायदा हमारे देवलघाट वालों को मिल रहा था. लेकिन अभी कुछ 20-25 दिनों की पहले पानी बंद हो गया. बंद होने का कारण ग्राम सेवक से पूछा गया. ग्राम सेवक ने बताया कि ये पानी की पाइपलाइन का जो है वहाँ पर मोटर शॉर्ट हो गई है, जिसके कारण देवलघाट में पानी नहीं आ रहा है. ये मालूमात लेने के बाद हमारे देवलघाट के माजी सरपंच बबलू सेठ और जिला परिषद सदस्य लहाने सर और हमारे जिला सरचिटनीस अल्पसंख्या विभाग बुलढाणा जिला सरचिटनीस अफसर खान, हमारे हमिद भाई और सैयद नज़ीर और अंसार शेख अंसार और बाकी पूरी हमारी टीम ने कोशिश करके लहाने सर को फ़ोन लगाए. फ़ोन लगाने के बाद लहाने सर ने जो है हमारे देशमुख बापू ग्राम विकास अधिकारी से फ़ोन पर बातचीत की कि भाई देवलघाट में पानी नहीं आने का कारण क्या है. तो हमारे ग्राम विकास अधिकारी देशमुख बापू ने बताया कि येळगाव से जो पानी आ रहा है वहाँ की मोटर शॉर्ट हो गई है, जिसके कारण हमारे देवलघाट में पानी नहीं आ रहा है. फिर लहाने सर और हमारे बबलू सेठ ने हमारे पूरे मित्र मंडल को कहा कि तुम जाकर येळगाव जाकर उसका मुआयना करो. वहाँ मुआयना करने के बाद हम ऑन स्पॉट गए 5-6 लोग. वहाँ जाने के बाद हमारे जिला परिषद सदस्य लहाने सर ने कहा कि मोटर जल गई है, इसको फौरन दुरुस्त करो और मेरे सर्कल देवलघाट में जल्दी पानी मुहैया करो. लेकिन ग्राम सेवक का कहना है कि आज परिस्थिति ये है देवलघाट में कि ग्राम पंचायत में एक रुपया नहीं है और उसमें प्रशासक भी नहीं होने के कारण कुछ काम करते नहीं आता है और पैसे नहीं है मेरे पास में. फिर हमारे जिला परिषद सदस्य लहाने सर ने एक चेक निकाला और चेक निकाल कर ग्राम विकास अधिकारी देशमुख बापू कहा कि ये पेमेंट आपको मैं उधार देता हूँ, जब भी आपके पास आएंगे मुझे दे देना, लेकिन पहले देवलघाट में पानी की व्यवस्था करो. देवलघाट में पानी की व्यवस्था इसलिए करना अर्जेंट ज़रूरी है कि यहाँ जो है गरीब तबका है. गरीब तबके को आज जो है टैंकर वालों ने जैसी मालूम पड़ा है कि नल बंद हो गए, एक ड्राम की कीमत कम से कम 40 से 50 रुपये कर दी है. हर घर की ज़रूरत कम से कम भी पानी लिए तो 2 ड्राम लगता है. 2 ड्राम पानी लेने के लिए आज गरीब लोगों के पास से 80 से 100 रुपये खर्च हो जा रहे हैं. और ये पानी अगर मिलता है तो ये पैसा उनके दूसरे खर्च के लिए काम में आता है. और गरीब लोगों को जो है इसमें पानी लेने में नुकसान, पानी मोल लेने की वजह से दूसरे अखराजात में नुकसान हो रहा है, जिसके कारण हमारी पब्लिक परेशान थी. परेशान होने के वजह से हमारे बबलू सेठ ने मेहनत की और हमारे मित्र मंडल से कहा. हमारा मित्र मंडल ने जो काम किया वो कल जाकर हमने वहाँ पर अंजाम दिया. आपने व्हाट्सएप पे हमारे फ़ोटो वगैरह भी देखे हैं. वहीं ऑन स्पॉट हमारे लहाने सर ने 10,000 रुपये का चेक भी दिया है और ज़रूरत पड़ती है तो वो भी देंगे और जल्द से जल्द इंशाल्लाह देवलघाट में पानी आ जाएगा.
ऐसा कहा। और आज ही हमने ग्राम सेवक को फ़ोन लगाया, ग्राम सेवक ने कहा कि मैं काम पर लग गया हूँ, मेरा काम शुरू है, आप आकर देख सकते हैं। वहाँ पर काम शुरू हो गया, इंशाल्लाह 2-4 दिन में पानी देवल घाट में आ जाएगा। और इस पानी के आने के लिए हमारे सर ने जो कोशिश की उसका हम तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देवलघाट वासियों की तरफ से, हमारे सभी लोगों की तरफ से डीएस लाने सर का तय दिल से शुक्रिया, बबलू सेठ का भी शुक्रिया जिन्होंने इतनी मेहनत करे, और पूरी टीम बबलू सेठ की मेहनत कर रही है, पूरी टीम का भी शुक्रिया। आज गांव में पानी आ जाएगा इंशाल्लाह, सभी लोग दुआ से नवाजेंगे, और हमारे लाने सर का बहुत बहुत शुक्रिया। तेलगांव धरन से जो देवलघाट तक तात्पुरता पानी की पाइपलाइन हुई वो 99 लाख रुपये की पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन का प्रस्ताव जब जिला परिषद में गया उस वक्त लाने सर और भायकर ताई इस प्रस्ताव के जो है तो सूचक अनुमोदक बने, और जिला परिषद से ही इस प्रस्ताव को मंजूरी, तात्पूर्ति पाइपलाइन को मंजूरी मिली। कुछ दिनों तक ये पानी देवल घाट में आता रहा, और मोटर जलने के कारण ये पानी बंद हो गया। काम कर रहे लाने सर ने जो काम करके दिया है, उसके बाद में हम गांव में आए तो कुछ चर्चा व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ये पढ़ने को मिला है। बोले क्या विरोधी लोग ऐसा कर रहे, क्रेडिट के वास्ते कर रहे। ये क्रेडिट का मसला नहीं, अवाम के वास्ते हम लोग गए थे, अवाम का पानी के मसले के लिए गए थे, और हमने पानी का काम इंशाल्लाह करे, और लाने सर की मदद से, बबलू सेठ की मदद से ये काम हो गया। 2-3 दिन में पानी आ जाएगा इंशाल्लाह। और क्रेडिट वो लेते हैं जिनको क्रेडिट नहीं रहती, जिनके पास बबलू सेठ के पास माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, क्रेडिट भरपूर है। लाने सर को क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट तुम्हारे को है, और तुम क्रेडिट के वास्ते कहीं भी जा सकते, कहीं भी आ सकते, ये तुम्हारे को मुबारक हो। और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, बोलने को बहुत कुछ है। 40,00,000 रुपये का पोल लगाए और 1,58,000 रुपये एक पोल के निकाले, और क्या बोल लेगा तुम्हारे को। अभी ये सब तुम्हारा धीरे धीरे सब सामने आएगा, और पब्लिक के भी समझ में आएगा कि तुमने क्या किया और बबलू सेठ ने क्या किया है और लाने सर क्या कर रहे हैं। जिल्हा मुख्यालयापासून अवघ्या हकेच्या अंतरावर असलेल्या मौजे देऊळघाट येथे गेल्या 15 ते 20 दिवसापासून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत होत नसल्यामुळे गावातील नागरिकांची पाण्यासाठी पायपीट होत होती। या बाबीची दखल घेऊन माजी सरपंच अब्दुल रजाक उर्फ बबलू सेठ यांनी देऊळघाट जिल्हा परिषद सर्कलचे सदस्य डीएस लहाने यांच्या कानावर सदर बाब घातली। त्यावेळी डीएस लहाने सरांनी फारसं विलंब न लावता त्यांनी तात्काळ शिवसाई अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी बँकेचा 10,000 रुपयाचा धनादेश ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक यांना देऊन गावातील पाणी पुरवठा तात्काळ सुरू करावा असे सुचवले। तसेच बंद अवस्थेत असलेल्या एळगाव धरणावरील मोटारीची पाहणी करण्याबाबत बबलू सेठ यांनी बबलू सेठ मित्रमंडळाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांना मोटारीची पाहणी करण्यासाठी जाण्यास सांगितले। त्यानंतर बबलू सेठ यांच्या मागणीनुसार जिल्हा परिषद सदस्य डीएस लहाने व अब्दुल रजाक उर्फ बबलू सेठ व बबलू सेठ मित्रमंडळ यांनी सर्वांनी जाऊन प्रत्यक्ष बंद अवस्थेतील मोटारीची पाहणी केली व संबंधितांना तात्काळ मोटर दुरुस्ती करण्याचे सांगितले। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक विभाग तालुका अध्यक्ष इलियास खान, अफजर खान, नजीर खान, इरफान टेलर, हमीदबाई, अन्सार खान इत्यादी उपस्थित होते। प्रतिनिधी इरफान सय्यद, महाराष्ट्र 24 न्यूज, बुलढाणा।